नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, समझदार अजय। ये हमारा समझदार अजय पाठ 3, समझदार अजय। तो आज हम अजय के बारे में जानेंगे और ये कौन सी मात्रा से संबंधित पाठ है? आ की मात्रा। देखो इसमें आ की मात्रा लगी है, इन अक्षरों में भी आ की मात्रा लगी है। तो आज हम आ मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, समझदार अजय। समझदार अजय। उजाला छा गया। अजय कहाँ है हमारा? ये है अजय उठकर उपवन गया। देखो उपवन में अजय पहुंच गया, ये हमारा उपवन है। उपवन में क्या होता है? फूल, फल। उपवन यानी बगीचा। बगीचे में अजय पहुंच गया, उजाला छा गया, अजय उठकर उपवन गया। उसके बाद अजय ने क्या किया? फिर अजय हमारा बहुत समझदार है। जब वो उठकर उपवन गया, उपवन से वह कसरत करने गया। ये देखो कसरत। कसरत करने से क्या बोलते हैं? ताकतवर। अजय कसरत करके ताकतवर बना। क्या बना अजय? ताकतवर। अजय कसरत करके कैसा बना? ताकतवर, है ना? ताकतवर बन गया हमारा अजय। उसके बाद अजय झटपट जल्दी घर आया। फिर इसने क्या किया? अजय ने फिर अपनी माता का कहना माना। ये है अजय की माता, माता। अजय ने अपनी माता का कहना माना और फिर उसने टब लाया। और टब लाकर हम क्या करेंगे? फिर वो टब लेकर आया और नल चलाया। नल चल गया देखो। और फिर क्या किया अजय ने? जल भरा। हमारे टब में जल भर गया। अजय के टब में जल भर गया। फिर अजय ने हाथ, नाक, कान। अपने कान पकड़ के दिखाओ मुझे, कहाँ है आपके कान? कान। ये देखो ये इसके कान। ये देखो हाथ दिखा रहा है, हाथ, नाक, कान, बाल। ये देखो इसके कितने घने बाल हैं। साफ करके समझदार बन गया, समझदार। फिर उसने क्या किया? फिर उसने भगवान का भजन किया। ये है भगवान। अब भगवान का भजन कर। फिर समझदार अजय ने भगवान का भजन किया और उसके बाद अखबार उसे पढ़ा। फिर गाजर। देखा कितनी सुंदर मीठी गाजर है, इसका गरम गरम हलवा खाया। पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। उसके बाद हलवा खाकर वो कहाँ गया? पाठशाला यानी स्कूल। स्कूल जाकर उसने पाठ पढ़ा। तो आज हमने आ मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए? उपवन। उपवन में क्या होते हैं? फूल, फल, पौधे। उसके बाद उजाला। उजाला कहाँ से आता है? सूरज से। सूरज जब निकलता है तभी उजाला आता है। उसके बाद माता। माता यानी हमारी माँ, मम्मी, जिसे आप मम्मी बोलते हो, है ना? तो वो हमारी माता है। माता का हमेशा कहना मानो। भगवान का भजन किया। ये कौन है? भगवान, श्री राम और सीता, इनका भजन किया। उसके बाद उसने अखबार पढ़ा और गाजर का गरम गरम हलवा खाया और पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। आपको यह पाठ कैसा लगा मुझे जरूर बताना, ओके? और आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।